भाई साहब जहर एक्सीडेंट हो गया, देख रहे हो, साइकिल वाले बच्चे से बाइक वाले टकरा गए। अब ये हमारे बराबर में से ही निकले थे ना, वही है ना, ये तेज जो निकले थे। ओ भाई साहब, अपाची वाले भाई में ना कीड़ा जाग चुका था बहुत बढ़िया वाला, और हम धीरे धीरे चल रहे, अपाची भाई वाला भाई बेहतरीन तरीके से निकल गया भाई। चेकआउट करो, देखो इधर भी प्यारा सा नज़ारा, पूरा पूरा पानी पानी सा है, और यहाँ देखो रास्ता कितना खतरनाक है जिस पर हम अपनी बाइक उतार रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो भाइयों, तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई व्लॉग में। कैसे चलते चलते यूं ही आज हमने सोचा कि आपको कहीं अलग लेकर चलते हैं। बहुत दिन हो गए आपको इन रोडों पे यहाँ लोकल में घुमाते हुए, तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छे प्लेस जो आपको गाज़ियाबाद यानी दिल्ली NCR के अंदर ही मिल जाएगा। दिल्ली NCR के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ अगर आप राइड करना चाहते हो तो एक छोटी सी राइड करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो आज आपको लेकर चल रहे हैं हम एक बढ़िया प्लेस पर, और अभी देख लो भाई सूरज देवता की प्रकोप कितना तगड़े वाला है भाई। आजकल जो टेम्परेचर जा रहा है ना भाई, 48-49 जा रहा है, दिन में निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:30, और हम घर से निकल चुके हैं लगभग, देखते हैं 6:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएँ, जिससे कि हम भाई आपको वहाँ से सनसेट का भी अच्छा नज़ारा दे सकें, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्लेस है। और मेरे साथ में जा रहा है इस टाइम पे मेरा जिगरी दोस्त बेवड़ा। बेवड़ा, हाँ हाँ वही बेवड़ा जो आप देखते हो रहते हो स्प्लेंडर वाला। समझ जाओ यार, समझाया करो, कमेंट करके बता दिया करो कौन से का नाम ले रहा हूँ मैं। तो चलो चलते फटाफट से उसके पास, उसको लेते हैं। कौन आया, कौन आया? बेवड़ा आया, बेवड़ा आया, अरुण बेवड़ा। गलत बेवे मत लेकर जाना भाई, मजाक चल रहा है, मेरा भाई है, जिगरी दोस्त है वो मेरा, तो थोड़ा सा बनता है यार मजाक। तो चलो फटाफट से उसको लेते हैं, निकलते हैं अपनी लोकेशन के लिए, और जा कहाँ रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा, पूरी डिटेल दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, अगर प्लेस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर लेना। वैसे आपने अभी तक तो थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। आप लोग करते नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब, इतने प्यार से तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया से वीडियो बनाता है, फिर भी आप मिस कर जाते हो एक बटन को। उस बटन को ना प्रेस कर दिया करो, एक लाल कलर का बटन जो आ रहा है ना भाई, उसे तोड़ दो, बुरी तरीके से तोड़ दो, और फिर एक बार और क्लिक करोगे तो बेल आइकन आ जाएगी, उस पर और क्लिक कर लो, बस फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे को दिखता ही रहेगा। तो गाइज हमारे पीछे हमारा बेवड़ा आ चुका है, देखो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, मैं मेरा बेवड़ा दोस्त। कौन आया, कौन आया? बेवड़ा आया, बेवड़ा आया। तो बेवड़ा आ चुका है, बेवड़े को लेकर मैं निकल चुका हूँ। भाई साहब इन इतना तगड़ा हो रहा है ना कि भाई साहब हमेशा लेट करवाता है, हमेशा लेट। मैं टाइम से भी चलूँ ना जब भी ये लेट करवाएगा मुझे, तो इसने हद मचा रखी है। फिलहाल में हम इसके यहाँ से भी निकल चुके हैं, और अब चलते हैं फटाफट से अपनी राइड पे, राइड कंटिन्यू करते हैं, और भाई जल्दी पहुँचना है हमें, आप सबको दिखाना है एक बेहतरीन नज़ारा, तो उसके लिए पहुँचना पड़ेगा हमें टाइम से, क्योंकि अगर लेट हो गए तो नज़ारा मिस हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आज मैं आपको वो चीज़ ना दिखा पाऊँ जिस चीज़ के लिए मैं इतनी बेचैनी से जा रहा हूँ, आप सबकी खुशी मिले मुझे भाई, आप सबका प्यार मिले इस वीडियो में। तो चलो फटाफट अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम निकले थे राइड पे कि चलो एक राइड मार कर आते हैं, ऐसा नहीं पता था कि ऐसे जंगल में फंस जाएंगे जहाँ की हमें इतने सारे ढोर मिल जाएंगे जो यहाँ पर लगे पड़े हैं ये लाइन में, देख रहे हो ढोर ही ढोर है, ये वाइट ढोर है, वो वाइट ढोर है, उधर वाइट ढोर है, मेरे सारे वाइट वाइट ढोर से दिख रहे हैं यार, ये जीप वाला ढोर है, इतने सारे ढोर। अभी हमें जाम मिल रहा है, और जाम में से जैसे निकल रहे हैं ना ठंडी हवा लग रही है, वाकई ठंडी हवा लग रही है, क्योंकि अंदर नहा चुके हैं बिल्कुल पसीनों में, जैसे ही जाम लगा हेलमेट में पसीने पसीने हुए पड़े हैं, बहुत बुरी तरीके से पसीनों में नहाया पड़ा हूँ इस टाइम में मुँह पे से, और अंदर टी शर्ट भाई फुल एंड गीली हो रही है, फुल एंड गीली, और टेम्परेचर भाई पूछो मत ना, इतना टेम्परेचर हो रहा है भाई, क्या करके मानेगा पता नहीं हमारे सूर्य देवता, पता नहीं यार क्या करके मानेंगे, अब तो मुझे लग रहा है आग बरसाएंगे, आग की कमी रह गई है, आग के गोले ही फेंक लो, यही कसर है बस अब तो। वैसे तो जो चीज़ दिख रही है
भाई साहब बहुत फुल एंड गर्मी इस बार इतनी है तो अगली साल तो सोचने भी पार होने वाली है गर्मी, नेक्स्ट लेवल। गाड़ी के अलावा कुछ काम नहीं करेगी, बाइक वाइक तो बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी अगर ये हालात रहे तो। सामने का नजारा चेकआउट करो, हम पहुंच चुके परथला ब्रिज। भाई साहब एक नंबर ब्रिज लग रहा है, एक नंबर, गजब गजब बेइज्जती है यार। मैं पता है क्या दिखा रहा है हमारा, कि हम पहुंचेंगे रात को 8 बजे, हद होती है यार। अगर हम 8 बजे पहुंचेंगे तो 11 बजे घर आएंगे क्या? ये देखो भाई क्या गजब ब्रिज लग रहा है। चलो जी यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, और राइट टर्न राइट टर्न राइट टर्न, भैया जी हमें जाने दो। यहाँ से राइट टर्न लेकर राइट टर्न हो गए और हम जाएंगे सेक्टर 37 वाले रोड पे, सेक्टर 37 कालंदी कुंज को क्रॉस करते हुए चलते हैं हम। जा कहाँ रहे हैं अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, हम जा रहे हैं फरीदाबाद। पानीकोट लेक के नाम से एक लेक है, हम उसको विज़िट करने जा रहे हैं और हमें वो विज़िट करनी है थोड़ा सा टाइम से, तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कोशिश तो पूरी है कि हम काफ़ी टाइम पहले पहुंच जाएं, यानी सनसेट से पहले पहले वहां पहुंच ही जाएं। लेकिन अगर सनसेट के बाद ही पहुंचेंगे तो सनसेट के बाद जो रोशनी रहती है ना वहां पे, नज़ारा जो रहता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। आजकल दिन में जाकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए शाम के टाइम आराम से वहाँ का व्यू इन्जॉय करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा लगता है। और ये प्लेस एक ऐसा है कि अभी इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, तो अगर आपको दिल्ली NCR के पास में कोई ऐसा विज़िट करना है लेक, तो आप यहाँ पर जा सकते हो, बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, जब हम आपको दिखा देंगे उसके बाद में। आ चुके हैं अभी कहाँ पे, कालंदी कुंज पहुँचने वाले हैं जस्ट ए मिनट। तो हमें यमुना एक्सप्रेस वे वाला जो हाईवे जा रहा है ना अक्षरधाम को, जो अटैच करता है सेक्टर 37 के पास में, उसके ऊपर है फिलहाल में, फ्लाईओवर के ऊपर देखो वो जा रहा, तो फ्लाईओवर के ऊपर है। और सूरज देवता की रोशनी देखोगे तो भाई अभी तक गजब का प्रकोप है, गजब का जिसको कहते हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये क्या कर रहे हैं बुलेट वाले भैया, हमारे सुन ही ना रहे, हमारी तो कोई हमारी भी सुन ले करो। और सामने देखो एक प्यारा सा गेट, थैंक यू फॉर विजिटिंग, और इंडिया का फ्लैग बना हुआ इस तरफ भी, इस तरफ भी, वैसे आगे भी इंडिया ही है लेकिन फ्लैग बना हुआ, बहुत ही प्यारा, क्या बात है। अगर हमें कालंदी कुछ जाम नहीं मिला तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा डैम से देखने को मिल जाएगा, अगर यहाँ जाम मिल गया तो क्या होगा हमारा, बस जाम नहीं मिलना चाहिए हमें यहाँ पे, क्या बात है जी क्या बात है। ये गाड़ी वाले ना इतनी आसानी से साइड नहीं देते, गाड़ी ले के जब चलो ना इनके लिए जब ही बढ़िया है। भाई साहब इतने बेकार गाड़ी वाले हो रहे हैं, गाड़ी पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं, मेरे से ही सीख लेते यहाँ तो बढ़िया, तो भाई मैं ही सिखा देता गाड़ी, कम से कम तमीज़ तो सिखाता गाड़ी चलाने की। देखने को मिल रहा है बहुत ही तगड़ा वाला नज़ारा, कम से कम भाई 1.5 किलोमीटर लंबा जाम, फंस गए बुरे वाले, भाई सब बुरे वाले फंसे हैं, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ नहीं कह सकते भाई, कितना लंबा जाम है कितना लंबा जाम। भाई साहब गए आज तो काम से भैया, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा ये सब चीज़ जो हम सोच रहे हैं ना। ओहो हो बाइक हमारी दे रही है नीचे से ठंडी ठंडी हवा, तुझे पता है एक चीज़ बताओ, मेरी बाइक नीचे से ठंडी हवा दे रही है, एसी लग चुका है बाइक में नीचे। हाँ चलो जी देखते हैं हम गाड़ी वालों से पहले निकल पाएंगे या गाड़ी वालों के साथ ही निकल पाएंगे, अभी तो ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा कवर अगर कर गए तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर नहीं कर पाए तो और ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन। लो भाई 2500 साल बाद हमने ये क्रॉस कर दिया है कालंदी कुंज आपका, और हम आ गए हैं एडनालिका वाटर पार्क के पास में, और अब कालंदी कुंज के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें इसको क्रॉस करने में, मतलब कालंदी कुंज का ये जो पड़ता है ना टोल, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा है हमें इसे क्रॉस करने में, मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि हम वहाँ टाइम पे पहुँच पाएंगे, लेकिन देखते भाई क्या होता है, हमारे नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। और इधर है वाटर पार्क प्यारा सा एक, लेकिन अभी हम वाटर पार्क नहीं जा रहे हैं, अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ पे तो मुझे लगता नहीं हम टाइम से पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि टाइम से पहुँच जाए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बोलते हैं ना, तो हम हार मानते ही नहीं, जो हमारी हार होगी
जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, फुल एंड ट्रैफिक है भाई साहब, क्या ही बात हो गई है, गजब कर दिया है भैया, गजब ही कर दिया है। ट्रैफिक आनी है फरीदाबाद के लिए, इधर जाना है बदरपुर बॉर्डर के लिए सीधा जाना है, लेकिन हम जाएंगे अपने यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट होकर और सीधा फरीदाबाद वाले कट पे, गुड़गांव मा से बाजी गाड़ी सीधा फरीदाबाद टोल पे, है ना युवा ना भाई। अब मुझे महसूस हो रहा है कि हम बिल्कुल गलत टाइम पे निकल चुके हैं, जिस टाइम पे हमको बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए था यार, गलती कर दी बहुत बड़ी वाली। देख रहे हो सनसेट का टाइम बिल्कुल हो चुका है और अभी तक हम भाई ट्रैफिक में ही पड़े हैं, पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं। अब तो मेरा जाना भी मुझे वेस्टेज ही लग रहा है, लेकिन क्या करूँ भाई, बहुत बेकार लग रहा है, बहुत जी दुख रहा है मेरा इस चीज़ को सोच सोच के भी, कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी और उसके बाद भी जहाँ हम जा रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। ओ भाई साहब, अपाची वाले भाई में ना कीड़ा जाग चुका था बहुत बढ़िया वाला, और हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अपाची भाई वाला भाई बेहतरीन तरीके से निकल गया। चलो जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक कम होते हुए, यानी रनिंग में ट्रैफिक आ रहा है अब थोड़ा सा, चलो देखते हैं हम भी निकलते हैं। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, ये थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जो दिख रहा है ना, अगर ये जल्दी से हमें निकल जाने दे तो भाई हम थोड़ा सा ऐसे टाइम से पहुंच जाएंगे कि कुछ हमें व्यू देखने को मिल जाएगा, वरना तो हमारा कुछ भी नहीं होना भाई, कुछ भी नहीं होना, ज़िंदगी ख़राब ही होनी है जैसे हालात हो रहे हैं ना। ये देखो दूर दूर तक भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है, देखो देख रहे हो, क्या फ़ायदा है ऐसे ट्रैफिक का, क्या फ़ायदा है ऐसी सिटियों में रहने का जो हम मरते रहे हैं, पल पल मरना है भाई ऐसे ट्रैफिक में हमारा, कोई फ़ायदा ना। अगर हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने, यानी कि केवल हमें 40 किलोमीटर जाना था जिसके लिए 2 घंटे लगाने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो कितना फील होता है यार। अरे भैया चल दो यार, चलो कोई तो चलो, मेरे भाई चलो। ये देखो भाई साहब में बहुत कीड़ा है, बहुत तगड़े वाला कीड़ा। ये देखो इन्हें बीच में गाड़ी खड़े करके उतरना, बीच में गाड़ी खड़ी करके, साइड में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है ना, और इतने ट्रैफिक में इन भाई साहब को देखो उधर रॉन्ग साइड में आना है। यार क्या पब्लिक हो रही है क्या, फरीदाबाद टोल पे आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे साथ में। हम आ चुके हैं फरीदाबाद टोल पे, यहाँ पे टोल क्रॉस मारते हुए। अरुण किधर जाना मेरे भाई, मुझे जल्दी से बता दे, मुझे जाम से निकल चुके हैं और जाम से निकलने के बाद जा रहे हैं वैसे तो सही स्पीड में, लेकिन लगता नहीं है कि सनसेट आपको दिखाएंगे हम वहाँ से। ये देख रहे हो, एक तो गाड़ी वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, धीरे क्यों चल रहे हैं इतना। ओके कोई बात नहीं, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि सनसेट हो चुका है ऑलरेडी, हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, काफ़ी ज़्यादा लेट जैसे कहते हैं ना, हमारे साथ वो मामला हो चुका है। तो देखते हैं सारी चीज़ें कैसी रहनी है कैसी नहीं रहनी, कुछ नहीं कह सकते अभी हम। तो भाई हम पहुंच तो चुके हैं फिलहाल में, और देख लो वहाँ का नज़ारा देख लो कितना अच्छा हो रहा है, सनसेट हो चुका है। कहाँ से अब हमें यहाँ से लेना है, अच्छा चलो जी यहाँ से हम लेफ्ट जा रहे हैं, नज़ारे देखते रहो भाई। इधर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिसोर्ट भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत सारी जगह है, यानी कि इधर अच्छा नज़ारा है इधर का, आप देख सकते हो यार व्यू भी कितना प्यारा लग रहा है। अब हम जो आपको दिखा पाएंगे वो तो पता नहीं कब दिखा पाएंगे, और इधर का नज़ारा देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, एकदम झक्कास वाला व्यू। ठीक है भाई, थोड़ा सा इस बार डिले हो गया लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो दिन में आएंगे, बिल्कुल दिन में, गर्मी गर्मी जब तक गर्मियों का मौसम है, देखो जब तक तो मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ जब गर्मियों का मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा
तो आपको इसी प्लेस पर मैं दोबारा लेकर आऊँगा और बढ़िया तरीके से दिन के नज़ारे दिखाऊँगा, पूरे दिन के नज़ारे भाई। रोड का नज़ारा एक नंबर, वैसे नज़ारा एक नंबर, सारी चीज़ एक नंबर, बस हम भी दो नंबर क्यों हो गए पता नहीं यार। देखो देखो कौन आया, बेवड़ा आया, इस बेवड़े के चक्कर में हो गया मैं देर। तुझे भी ले ले, सही में गजब कर दिया, आ गया तू, आ गया तू, आ गया, तुझे ले दिया कि तू परफेक्ट ड्राइवर है। हेलमेट लगा के चल पर, भाई साहब बच्चे भाई, अब आप इधर का जरा नज़ारा देख लो, कितना ही प्यारा नज़ारा, पहाड़ों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई ही कहीं पहुंच चुके हैं पहाड़ों में। नज़ारा देखो इधर का, जब बताना कि आपको लग रहा है नहीं लग रहा, नज़ारा एक नंबर है, बस थोड़ा सा लेट है, ये वाला हमारा सीन हो चुका है ख़राब, वरना तो भाई एक नंबर सारी चीज़। ओए होए 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 होए, क्या बात है भैया, बिना देखे भी आ जाते हैं यहाँ रोड पे लोग, तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना पड़ेगा। और की करके पेड़ है, निरी हरियाली हरियाली है, इधर भी हरियाली है और थोड़े से प्रोग्राम वाली दुकानें हैं और वैसी दुकानें हैं। ओ माय गॉड, देखो बीच रोड पे भाई साहब, बीच रोड पे ऑटो वाले भाई साहब उतार रहे हैं इन्हें, देखो ये बीच रोड पे उतारेंगे, बीच रोड पे कतई। भाई निकले थे किस टाइम, हो गया क्या टाइम, अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और हम अभी तक भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे। लो भाई हम आ गए अब हिडन लेक के पास में, किधर को, इधर को जाना है, सही तो लेके जा रहा है, देख रहे हो, देखो भाई साहब कहाँ पे आ चुके हैं हम भाई, पहाड़ों में, बिल्कुल पहाड़ी एरिया में आ गए। अगर हम यहाँ भाई साहब टाइम से आ गए होते ना, एक नंबर व्यू होता। किधर को सीधे चलें, अच्छा भाई साहब रास्ता देखो, मुझे लग रहा है संडे राइड करनी पड़ेगी भाई यहाँ की, तो है ना भाई साहब, नज़ारा देखो आप, एक नंबर नज़ारा है, है ना। ओ भाई साहब, भाई कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन हमने अपनी उम्मीद नहीं हारी। ये देखो इधर भी पहाड़ का व्यू पूरे का पूरा, और सामने का नज़ारा देखो, सामने प्यारा सा ओरेंजी ओरेंजी सा हो रहा है, और ये स्पॉट है जिसपे हमें आना था। गजब लग रहा है भाई, गजब। अब मैंने उसको बोला है वो नीचे जा रहा है, एक प्यारा सा शॉट दिखाते हैं आपको अपनी लक्ष्मी का और चलते हैं नीचे भाई। चेकआउट करो देखो, इधर भी प्यारा सा नज़ारा, पूरा पूरा पानी पानी सा है, और यहाँ देखो रास्ता कितना ख़तरनाक है जिस पर हम अपनी बाइक उतार रहे हैं। भाई साहब क्या रास्ता है, गजब सा रास्ता है, गजब सा। ओ भाई बहुत ही प्यारा रास्ता, बहुत ही प्यारा नज़ारा, और हम पहुँचे हैं यहाँ अंधेरे में यानी रात में, देख रहे हो क्या गजब, लेक के पास पहुँच गए। अब की बार देखते हैं भाई, यहाँ कभी दिन में ज़रूर विज़िट करेंगे। ओके ये लो भाई, उधर को भी प्यारी प्यारी सी सीन है, बहुत सारे लोग बैठे भी हैं अभी उधर उधर, और यहाँ फाइनली पहुँच चुकी है हमारी लक्ष्मी। फाइनली फाइनली गाइस, देख रहे हो कितने प्यारे व्यू में आ चुके हैं हम, कितने प्यारे व्यू, और यहाँ अपनी लक्ष्मी। थोड़ा देखो गोप्रो में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया सा लेक है, उधर प्यारा सा सनसेट हुआ है तो ओरेंजी ओरेंजी सा आपको दिखाई दे रहा है, और सारे का सारा पहाड़ी एरिया कन्फर्म है। हम दोनों भाई इस राइड को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं,
और फिलहाल मैं भाई के फोटो कुछ क्लिक कर लेता हूँ। ये दिखाऊंगा आपको अपना फोटो, तो कैसे दिखाऊं मैं फिलहाल में देखो सामने फ़ोन में से अपना फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी हेलमेट लगा के ही घूम रहा हूँ मैं फ़िलहाल में। प्यार नज़ारा जो है ना वाकई एक नंबर है। और यहाँ लक्ष्मी तो हमारी दिख भी नहीं रही है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। थोड़ा सा लाइट जलाते हैं लक्ष्मी की, दिखाते हैं आपको हमारी लक्ष्मी। चल भाई वो कर फटाफट से फोटो लेते हैं तेरे। ये देखो ये आ गई हमारी लक्ष्मी, हमने थोड़ी सी रोशनी कर दी है। बैक कैमरा फ्लैश ओपन है ना, रुक जा। फाइनली भाई अब हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है और सामने देख लो प्यारी सी लाइट हमारी लक्ष्मी की, और देख रहे हो जंगल ही जंगल है सामने और पहाड़ी है। तो हम सोच रहे भाई यहाँ से, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया प्लेस है तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उनको मैंने आगे भेज दिया है एक प्यारा सा शॉट लेने, और वो एक प्यारा सा शॉट लेगा उसके बाद में हम यहाँ से हो जाएंगे गोली। हमारे निकलने का टाइम हो गया है, अब हम यहाँ से निकल ले। रास्ता देख सकते हो आप कैसा रास्ता है, थोड़ा सा ओ माय गॉड ऑफ रोडिंग है ये वाला पैच जो है ऑफ रोड है, लेकिन हाँ ठीक है आराम आराम से चढ़ जाएंगे। थोड़े से पत्थर वत्थर भी है और ऐसे रास्ते पे तो हमारी लक्ष्मी वैसे भी जाने का इंतज़ार कर रही है कि कब जाएगी। ये देख रहे हो सामने शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। एग्जैक्ट हम यहाँ से अब निकलते हुए, बहुत ही प्यारी लोकेशन थी लेकिन आपको इसका जो लोकेशन का बढ़िया विजिट देंगे और बढ़िया तरीके से हम वो बताएंगे ना आपको संडे में बताएंगे। आज थोड़ा सा हम ज़्यादा ही लेट हो गए, इतना ज़्यादा लेट हो गए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और एक गांव के बराबर में से जाकर ये लेक पड़ती है, एक नंबर था भैया। वैसे जैसे भी टाइम आए बढ़िया लगा, ये था हमें पहुँचना था। और अभी देख लो भाई उजाला सा है, टाइम 7:50 हो चुके हैं, 10-1 मिनट हमने अपने यहाँ पे दिए हैं, लेकिन हाँ ठीक है जो भी है भाई सही रहा। हमने अपनी जो लास्ट कोशिश थी ना वो करके ही छोड़ी, हार नहीं मानी, हार को हरा दिया लेकिन हार नहीं मानी है अरुण भाई। अगर आपको भी इस लोकेशन पे आना है तो सिरोली गांव है, सिरोली गांव में जैसे ही आप आओगे तो सिरोली जो गाँव है उसके जस्ट बैक साइड में ही ये लेक है। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो सिरोली गांव फरीदाबाद में, सिरोली अगर सिरोली डालोगे तो भी आप यहाँ पे इस लेक पर पहुँच जाओगे। इधर पहाड़ हैं सारे के सारे और वहाँ पे ही वो लोकेशन है। टाइम हो चुका है 7:52 और हम घर के लिए निकले हैं। लगभग 10-10:30 तक हम घर पहुँचेंगे क्योंकि अभी बीच में ब्रेक भी लेंगे। उधर से हम भागम भागाए, हम ना कुछ खा पाए ना कुछ कर पाए, तो ये थोड़ा सा मज़ा बेकार हो गया हमारा, लेकिन अब कुछ खा पी के जब निकलेंगे। हम पहुंच चुके एक पेट्रोल पंप पे और थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया है। यहाँ पे हमारा भाई पानी के लिए देख रहा है, तो देख लो यहाँ पे अपनी लक्ष्मी जानदार लग रही है इस टाइम पे। कैसी लग रही है अपनी लक्ष्मी? जबरदस्त भाई, हाँ भाई साहब किधर से भी देख लो लुक मस्त है मस्त। गाइस ऑटो घुस गया ट्रक में, इस ऑटो वाले ने यहाँ से निकालने के चक्कर में ट्रक में मार दिया अपना ऑटो ही। देख रहे हो कहाँ चढ़ा रखा है ऑटो, ये पलट जाएगा ऑटो। ऑटो वाले मानते नहीं है भाई, बहुत खतरनाक तरीके से चलाते हैं ऑटोज को भाई। इसमें बैठने वालों की भी ना बैंड बजती है, मैं भी जब एक दो बार बैठ के गया हूँ ऑटो में, मेरी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजती है, बहुत बुरी तरीके से जिसको कहते हैं। बहुत डर लगता है मुझे ऑटो में बैठने में। और देखो यहाँ पर आपस में भिड़े पड़े सारे के सारे, सामने हो रही रेड लाइट और हम भाई साहब जहर एक्सीडेंट हो गया। देख रहे हो साइकिल वाले बच्चे से बाइक वाले टकरा गए। अभी ये हमारे बराबर में से ही निकले थे ना, वही है ना ये तेज जो निकले थे। और देखो यहाँ पे ये भाई टक्कर हो गई है, बहुत ज़बरदस्त वाली टक्कर हो गई है, वो बच्चा निकल गया। चलो भेज दिया बच्चे को और यहाँ बाइक को साइड में कर दिया गया है मेरी बाइक। अभी ये भाई हमारे बराबर में से बहुत तेज आए थे ये हमारे बराबर में से, हाँ। और देख लो भाई हम इसीलिए किसी से बहसबाजी नहीं करते, हम मना करते हैं। बहुत सारे बंदे क्या होता है कि आजकल हमें भी देख कर ना, देखो मैं ये नहीं कहता मैं कोई बड़ा राइडर हूँ छोटा सा ही राइडर हूँ, लेकिन क्या होता है बहुत सारे बंदे ना हमें देख कर चूल मच जाती है यार,
हमारे पास बेशक बड़ी बाइक है भाई, हम धीरे चलाते हैं, कहीं कहीं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें तेज़ चलानी चाहिए खुले रोड पे, हम वहीं पे तेज़ चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि किंगे कोई भाई कोई भी गली मोहल्ला है उसमें तेज़ भगा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई, नुकसान होता है। देखा अब जरा सी देर में अगर वो बच्चे को कुछ हो जाता तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता था, और बच्चे को तो बच्चे को फिर आप बाइक लेकर चल लो यार, आपको ही कुछ हो जाए तो भी सोचो यार। दोस्तों फाइनली हम फरीदाबाद से यानी हरियाणा से वापस अपने नोएडा के अंदर एंट्री कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी एंट्री हो रही है, वेलकम टू नोएडा। यहाँ हम उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री करते हुए अपने वापस, और देख लो भाई कितनी देर में हम घूम घाम के, टाइम हो चुका है 9:16, हम वहाँ से लगभग क्या टाइम निकले थे याद नहीं है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ठीक है, इन्जॉय करते हुए वापस आ चुके हैं। इन्जॉयमेंट अभी भी अपना तरण पे, एक घंटा लगभग 10 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। राइड अच्छी रही, मज़ा आया हमें घूमने में, अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी, भाई लाइक कर नहीं करते हो ना जी पे जोर वाकई पड़ता है, कर दिया। ये हमने अपने भाई को ड्रॉप कर दियो है और हम पहुंच चुके हैं वापस तिगड़ी गोल चक्कर से आगे, बस 5-1 मिनट और हम पहुँच जाएंगे घर, प्यारा सा सफ़र करके। देखो कभी कभी हम ऐसा सफ़र करते हैं, एक ये जो है मेरी राइड में जिस दिन से मेरी बाइक आई है अनोखा एक अलग सफ़र रहा है, तो बहुत ही अच्छा रहा है, आई एम वेरी गुड फीलिंग्स यार, बहुत अच्छा लगा मुझे इस राइड को करके। जैसी भी हुई देखो जल्दबाजी में की जो भी है, जो भी सोचा समझा नहीं पता कि कैसा रहा, लेकिन हाँ जो भी रहा एक नंबर रहा, ये तो बात मानने वाली है। और भैया रे चलो जी, दो दोस्तों टाइम हो चुका है 10:45 और यहाँ आ चुका है अपना खाना, कड़ी चावल आ चुके हैं, आज कड़ी चावल खाए जाएंगे। और मैं अभी अपने आप को दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़े दूसरे कंडीशन में बैठा हुआ हूँ। हाँ बेटा जी देखो ये रही हमारी बेटा जी, और आज ब्लॉग का एंड करेगा विधान शर्मा टैडी लेकर बैठा हुआ है। है विधान आज ब्लॉग का एंड तो कर दे कम से कम, क्यों नहीं आज तो कर ले। और चलो क्या क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, लाइक। हाँ बेटा जी लाइक और कमेंट, बेटा जी ये सूखा वो सूखे से दोनों सूखे सूखे से, बेटा जी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए भाई को राम राम, राम राम भाइयों, राम राम।